हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल आप सभी की, और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के साथ। तो आज का वीडियो थोड़ा सा कमेंट्री करने में लेट हो गए थे आपके साथ, और फिलहाल यहाँ पे दो विकेट हो चुके हैं वॉर के, और वॉर ने अभी फिलहाल दो विकेट गवा दिए हैं अपने महत्वपूर्ण दो विकेट। राजा गोपाल को अभी भी एक विकेट मिला है। फिलहाल टीम के स्कोर की बात करूँ तो 24 रन दो विकेट के नुकसान पर 3-5 पर फिलहाल चलिए। नटराजन आए हैं अब नए बैट्समैन के रूप में। राजा गोपाल का लास्ट बॉल बचा है इस ओवर का, अभी तक 4 रन दिए हैं, एक विकेट निकाला है, और किफ़ायती ये ओवर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल दोस्तों, तैयार हैं हम कमेंट्री के लिए, और थोड़ा सा यहाँ पे लेट हो गए थे इस वजह से थोड़ा सा नई कमेंट्री कर पा रहे थे, बाकी अब आपके साथ कमेंट्री करने के लिए तैयार हैं। चलिए तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, और थोड़ा सा लाइव भी कर लेते हैं, लाइव देख लेते हैं, और लाइव से आपको बताएंगे मैच का हालचाल। चले जय सिवाक आए हैं नए बैट्समैन बॉलर के रूप में, इन्होंने 8 मैच में 12 विकेट निकाले हैं। चले सामने रहेंगे सुखदेव बड़े यहाँ पे शुरुआत ओवर की, और वाइट के साथ शुरुआत की है। चलिए बाकी आगे देख लेते हैं। हाँ, फिलहाल 26 रन हो चुके हैं दो विकेट के नुकसान पर 4-1 पर ओवर की दूसरी बॉल काफ़ी बढ़िया है, एक और डॉट बॉल निकलती हुई, देखते हैं आज का मुकाबला कौन सी टीम जीतने वाली है। बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ ये आपके सामने, और यहाँ पे मुझे लग रहा है एक और विकेट मिली है जय विकास को, एक और विकेट मिलता हुआ नटराजन का, और नटराजन जाएंगे बिना खाता खोले हुए, तो तीसरा झटका लगता हुआ बॉर को। चलिए नटराजन के भी बिना खाता खोले हुए पवेलियन लौट चुके हैं।
चलिए तो देख लेते हैं नया बैट्समैन कौन आने वाला है। मुझे लग रहा है बोर का। बढ़िया शॉट यहाँ पे लगते हुए दो लगातार चौके देखने को मिले हैं। बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सेलवम आए हैं और दो लगातार चौके लगा चुके हैं। दो बॉल पर 8 रन बना करके खेल रहे हैं। 400 का स्ट्राइक रेट और ओवर की लास्ट बॉल है। क्या बड़े शॉट के लिए फिर से जाएंगे? बिल्कुल बड़े शॉट के लिए गए हैं और यहाँ पे 6 रन मिलेगा। दो चौका उसके बाद 6 रन और बढ़िया प्रदर्शन यहाँ पे। 40 रन हो चुके हैं 5 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर। चलिए तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद 40 रन हो चुके हैं और आगे देखने वाली बात रहेगी आगे का मुकाबला किस तरह से देखने को मिलने वाला है। सेलवम आते ही अपना शुरुआत की है ताबड़तोड़। 466 की स्ट्राइक रेट से रन बनाते हुए 3 बॉल में 14 रन बनाना काफ़ी बड़ा खतरनाक है। तो बाकी यहाँ पे देख लेते हैं आगे के 5 ओवर किस तरह से देखने को मिलने वाले हैं। 5 ओवर हो चुके हैं, 5 ओवर और बचे हैं। बाकी के 5 ओवर किस तरह से निकलने वाले हैं देखने वाली बात रहेगी। आज का मुकाबला मुझे लग रहा है किंग्स ये मुकाबला जीत सकती है। अभी फिलहाल इस सिचुएशन में देखा जाए तो किंग्स पूरी तरह से इस मैच में बनी हुई है। और यहाँ पे एक और बढ़िया बॉल, एक और डॉट बॉल निकलती आदित्य सुरेश बॉलिंग के लिए आए हैं। दूसरा ओवर लेकर के आए हैं। पहले ओवर में उन्होंने विकेट निकाला था और शुरुआत फिर से अच्छी की है। पहली बॉल डॉट निकलती हुई। चलिए एक और यहां पे बढ़िया शॉट है, पीछे फील्डर मौजूद है। एक ही रन मिलेगा और 1 रन के साथ यहां पे स्ट्राइक रोटेट करते हुए सिलेवम को स्ट्राइक देते हुए और फिलहाल टीम का स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर 41 रन 3 विकेट के नुकसान पर फिलहाल देखने को मिल रहा है। आगे का मुकाबला देखने वाली बात रहेगी, आगे का मुकाबला कहां तक देखने को मिलने वाला है वो देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल चलिए देख लेते हैं यहां पे ओवर की तीसरी बॉल। तीसरी बॉल का इस बार सामना करेंगे सिलेवम। सिलेवम 2 चौके और 1 छक्का लगा चुके हैं, मात्र 3 बॉल का सामना किया है। 14 रन बना करके खेल रहे हैं। चलिए इस बार बढ़िया बॉल है और इस बार डॉट बॉल निकलती हुई। चलिए तो फिलहाल चौथी बॉल पर सिंगल रन आता हुआ और सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 42 रन 3 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल 5 की 4 पर
तो 5 ओवर 4 बॉल हो चुकी हैं, 42 रन देखने को मिले हैं। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे ये एक और बढ़िया ओवर समाप्त होता हुआ, लास्ट ओवर बॉल पर जरूर चौका देखने को मिला है, लेकिन शुरुआत की 5 बॉलों में कहूँ तो 3 रन आए थे और लास्ट बॉल पर चौका लगाते हुए और चौके के साथ ओवर की समाप्ति। तो फिलहाल 6 ओवर की समाप्ति के बाद 47 रन 3 विकेट के नुकसान पर, इस ओवर से 7 रन देखने को मिले हैं। आदित्य मोर अपना दूसरा ओवर समाप्त करते हुए और अपना स्केल समाप्त करते हुए 2 ओवर का बढ़िया इसको स्केल उनका। और चलिए फिलहाल यहाँ पे देख लेंगे अब 4 ओवर का गेम किस तरह से देखने को मिलने वाला है, किस तरह से गेम आगे निकलने वाला है, ये देखने वाली बात रही है। आज का मुकाबला सेमीफाइनल मुकाबला, फर्स्ट सेमी फाइनल मुकाबला जो कि देखने को मिल रहा है, इसके बाद आपको 11:30 बजे फिर से देखने को मिलेगा, तो वो भी काफ़ी अच्छा मुकाबला रहेगा। टाइटन वर्सेस एवेंजर के बीच ये मुकाबला होने वाला है जो कि 12:45 बजे 11:45 पर देखने को मिलने वाला है, और वो सेकेंड सेमीफाइनल, और इसके बाद फाइनल आपको 5 तारीख को मिलेगा देखने को 10:30 बजे। तो चलिए फिलहाल ये 3 मुकाबले बचे हैं मात्र, दीपक चौहान आए हैं अपना ओवर लेकर के। चलिए दोस्तों, दीपक चौहान 8 मैच में 12 ओवर फेंके हैं और 6 विकेट निकाले हैं, 92 रन दिए हैं, इकोनॉमी 7.67 का है, काफ़ी अच्छा इकोनॉमी है। और यहाँ पे पहला बॉल पर विकेट मिला है या नहीं, एम्पायर ने क्या इशारा दिया है, बिल्कुल एम्पायर की उंगली उठ चुकी है दोस्तों। सुखादेव यहाँ पे वापस जाएंगे पवेलियन लौट करके, और पहली बॉल पर कैच आउट के रूप में यहाँ पे विकेट मिलता हुआ, तो चौथा झटका इस बार वॉर को लगता हुआ। और दोस्तों, जो भी आज टीम मुकाबला जीतेगी वो तो सीधी फाइनल में जा करके खेलेगी, और जो जो कि 11:45 पे मुकाबला होने वाला है उसमें जो भी टीम जीतेगी वो भी फाइनल में, और तो उनके दोनों का मैच कल आपको 10:30 बजे देखने को मिलने वाला है। और फिलहाल आज टाइटंस और वर्सेस एवेंजर का मुकाबला होने वाला है नेक्स्ट मुकाबला, अभी फिलहाल वॉर वर्सेस किंग के बीच मुकाबला चलता हुआ ये आपको देखने को मिल रहा है। चलिए बाकी आगे का मुकाबला देख लेते हैं, अभी 4 ओवर और बचे हैं, 6 ओवर हुए हैं, 4 ओवर का गेम और देखने को मिलने वाला है। 4 ओवर में देखते हैं कितना रन्स बना पाती है और क्या 80-90 के आसपास स्कोर खड़ा कर पाएगी, अगर 180-90 के आसपास स्कोर देखने को मिलता है तो काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाएगा। और फिलहाल अगर इसी तरह से खेलती रही, विकेट गंवाती रही, तो काफ़ी मुश्किल होने वाली है। बाकी आगे देख लेते हैं आगे का मुकाबला किस तरह से चलने वाला है और किस तरह से मुकाबला देखने को मिलने वाला है वो देखते हैं किस। चलिए दोस्तों, फिलहाल
चलिए एक और यहाँ पे बढ़िया ओवर की शुरुआत दीपक के द्वारा। फिलहाल टीम के स्कोर की बात करूँ तो 6 ओवर 3 बॉल में 48 रन, 4 विकेट के नुकसान पर फिलहाल बोर का टीम स्कोर देखने को मिल रहा है। दीपक फिर से अपने ओवर की चौथी बॉल लेकर के आएंगे, सामने रहेंगे सिलेमन। छः बॉल में 19 रन बना करके खेल रहे हैं और इस बार भी बढ़िया शॉट है, पीछे फील्डर मौजूद है, सिंगल रन मिलेगा और सिंगल के साथ यहाँ पे स्ट्राइक रोटेट करते हुए सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 49 रन 4 विकेट के नुकसान पर और फिलहाल टीम का स्कोर। चलिए दोस्त दोस्तों एक और विकेट मिलता हो दीपक जी को और यहाँ पे बोल्ड कर दिया है देश दीपक ने और दीपक चौहान को यहाँ पे दूसरा विकेट मिलता हुआ। काफ़ी अच्छी बॉलिंग दीपक के द्वारा। चलिए तो यहाँ पे दोस्तों पांचवा झटका लगता हुआ बॉर को, फिलहाल लास्ट बॉल और बची है दीपक चौहान की। गजेंद्र तनवर आए हैं, गजेंद्र तनवर 9 मैच खेले हैं, 42 रन बनाए हैं, 7 चौके लगाए, छक्का कोई लगा नहीं पाए हैं और 145 का स्ट्राइक रेट है इनका, गजेंद्र तनवर। फिलहाल चलिए देख लेते हैं किस तरह से खेलते हैं गजेंद्र तनवर और यहाँ पे स्कोर कितना देखने को मिलने वाला है। फिलहाल 6 ओवर 5 बॉल हो चुकी हैं, इस ओवर की लास्ट बॉल देख लेते हैं दीपक चौहान। बढ़िया बढ़िया शुरुआत दीपक चौहान की तरफ से, 2 विकेट निकाले हैं और इस बार भी बढ़िया बॉल है, सिंगल रन मिलेगा और फिलहाल तनवर अपना खाता खोलते हुए सिंगल के साथ और फिलहाल सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। तो 7 ओवर की समाप्ति के बाद 50 रन देखने को मिले हैं, 50 रन 5 विकेट के नुकसान पर फिलहाल बॉर्स। आज का मुकाबला किंग मेकर किंग्स के तरफ जाता हुआ दिख रहा है, किंग्स ये मुकाबला आसानी से जीत सकती है अगर इसी तरह से रन्स बनेंगे तो 180 रन के आसपास अगर स्कोर बनेगा तो आसानी से किंग देख जीत सकती है ये मुकाबला। तो चलिए फिलहाल यहाँ पे अभी 3 ओवर का गेम और बचा है, 3 ओवर का मुकाबला और देखने को मिलने वाला है और 3 ओवर में कितने रन्स बनने वाले हैं ये देखने वाली बात रहेगी दोस्तों। फिलहाल यहाँ पे शुरुआत अच्छी हुई है किंग्स की तरफ से, बॉलिंग अच्छी हुई है, खास करके दीपक चौहान की बात करूँ तो 3 रन दिए हैं मात्र 1 ओवर में और 2 विकेट निकाले, बड़े महत्वपूर्ण विकेट। चलिए फिलहाल तनवर सामने रहेंगे, 7वां ओवर कौन लेकर के आने वाला है और देख लेते हैं और क्या मुकाबला देखने को मिलने वाला है, किस तरह से मुकाबला देखने को मिलने वाला है ये देखने वाली बात रहेगी दोस्तों।
चलिए दोस्तों, तो फिलहाल यहाँ पे एक बढ़िया मुकाबला चलता हुआ और 1 ओवर 3 बॉल में 13 रन देखने को मिले हैं। अरविंद आकाश भी हमें बढ़िया बॉलिंग बैटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। 2 छक्के लगा चुके हैं और शुरुआत काफ़ी अच्छी नहीं थी, लेकिन 2 छक्के लगाए हैं और 9 बॉल खेली हैं, मात्र 2 छक्के लगाए हैं, बाकी डॉट्स बॉलें खेली हैं उन्होंने। चले फिलहाल सिंगल के साथ यहाँ पे स्ट्राइक रोटेट करते हुए, तो 1 ओवर 4 बॉल में 14 रन बिना किसी नुकसान के फिलहाल किंग्स का स्कोर देखने को मिल रहा है। 88 रन बनाए हैं 7 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर में। वॉर्ट ने जीतने के लिए 89 रन चाहिए, तो वो देखने वाली बात रहेगी 89 रन। और यहाँ पे वाइट का इशारा रहेगा एम्पायर का, काफ़ी बाहर। चलिए दोस्तों, तो फिलहाल यहाँ पे 2 ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन देखने को मिले हैं। 15 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद किंग्स का स्कोर इस टाइम देखने को मिल रहा है। अभी तक कोई विकेट नहीं गिरी है, ये काफ़ी अच्छी बात है कि अभी तक विकेट नहीं देखने को मिली है। तो बाकी यहाँ पे देखने वाली बात रहेगी आगे का मुकाबला कौन सी जीतने वाली है। मुझे लगता है यहाँ पे किंग्स ये मुकाबला जीतने वाली है, किंग्स ये मुकाबला पूरी तरह से जीत जाएगी अगर इसी तरह से बैटिंग करेगी। फिलहाल यहाँ पे अगर विकेट गिरा लेते हैं 2-3 विकेट लगातार, तो यहाँ पे मुश्किल हो सकती है, लेकिन मुकाबला चलिए कृष्णा कुमार आए हैं अपना 2रा ओवर लेकर के। चलिए इस बार निकल गई है, फील्डर पीछे भाग रहे हैं, क्या रोकने में कामयाब होंगे। अच्छी फील्डिंग और यहाँ पे देखना होगा चौका बचा पाए या नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पे 2 रन बचाने में कामयाब हुए हैं और देखना होगा रीप्ले में क्या बाकी 2 रन बचाने के काबिल है, 2 रन बचा पाए हैं या नहीं। फिलहाल 2 रन दे दिए हैं एम्पायर ने, बाकी वो रीप्ले में दिखाई देगा कि 2 रन बचा पाए या नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पे कामयाब हुए हैं 2 रन बचाने में, सिर्फ 2 ही रन मिलेंगे और 2 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 17 रन बिना किसी नुकसान के 2-3 पर।
चलिए दोस्तों, बाकी यहाँ पे देखने वाली बात रहेगी कि आगे का मुकाबला किस तरह से चलता है, और बाकी यहाँ पे मुकाबला ये टक्कर का होने वाला है क्योंकि स्कोर काफ़ी कम देखने को मिल रहा है, स्कोर काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। बाकी आगे देखने वाली बात रहेगी आगे का मुकाबला किस तरह से देखने को मिलने वाला है। बिल्कुल यहाँ पे किंग्स ये मुकाबला जीत जाएगी, किंग्स का पूरी तरह से इस मैच पर हावी है, और यहाँ पे एक और बढ़िया शॉट लगता हुआ चौका जाएगा, अरविंदर आकाश के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका, काफ़ी बढ़िया यहाँ पे बैटिंग कर रहे हैं आकाश। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आपको ये मैच किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है, किस तरफ ये मैच देखने को मिल रहा है? मुझे लगता है यहाँ पे किंग्स ये मुकाबला पूरी तरह से अपने तरफ खींचती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि शुरुआत आकाश की तरफ से बढ़िया यहाँ पे हुई है और बढ़िया यहाँ पे बैटिंग कर रहे हैं। फिलहाल 14 बॉल का सामना किया है और 15 रन बना करके खेल रहे हैं। वहीं पे बिश्नोई भी 4 बॉल का खेल करके मात्र 1 चौका लगाया अभी अभी, और इससे पहले शायद चौका लगाया था पिछले ओवर में, और इस बार अरविंद के बल्ले से ये चौका निकला है, और फिलहाल टीम का स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन बिना किसी नुकसान के 3 ओवर की समाप्ति के बाद। रघुल भी आए हैं अब अपना दूसरा ओवर लेकर के, कोई विकेट नहीं गिरा है अभी तक, ये अच्छी बात है किंग्स के लिए, और किंग्स यहाँ पे पूरी तरह से ये मुकाबला अपनी तरफ करते हुए नज़र आ रही है, वो देखने वाली बात रहेगी दोस्तों। चलिए एक और यहाँ पे बढ़िया बॉल और एक और डॉट बॉल निकलती है, तो फिलहाल टीम का स्कोर 23 रन 0 विकेट पर और 3-2 पर। चलिए सुनील बिश्नोई सामने रहेंगे, 4 बॉल का सामना 5 बॉल का सामना किया है, 5 रन बना करके खेल रहे हैं। एक और डॉट बॉल, एक और बढ़िया बॉल इस बार रघुल बी के बल्ले ओवर से निकलती हुई, बाकी आगे देखने वाली बात रहेगी आगे के 3 बॉल्स किस तरह से देखने को मिलने वाले हैं, क्या बड़ी बाउंड्रियाँ देखने को मिलेंगी इसमें सुनील बिश्नोई के द्वारा। फिलहाल 6 बॉल में 5 रन बना करके खेल रहे हैं, 83 का स्ट्राइक रेट से नज़र आ रहे हैं, बाकी आगे देखते हैं दोस्तों। और इस बार बड़े शॉट के लिए गए हैं,
चलिए तो दोस्तों यहाँ पे बढ़िया मुकाबला चलता हुआ और फिलहाल 37 रन हो चुके हैं 4-5 पर बिना किसी नुकसान के। और इस ओवर की लास्ट बॉल बाकी है गोविंदन अपने 5 बॉल में 6 रन दिए हैं मात्र। और देखते हैं यहाँ पे किस तरह से अब गेम आगे देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पे बढ़िया शॉट है, रिवर्स में मारा है, कोई फील्डर मौजूद है लेकिन वहाँ पे चौका नहीं रोक पाएंगे। बढ़िया कोशिश लेकिन चौके के साथ ओवर की समाप्ति। तो इसी चौके की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 41 रन बिना किसी नुकसान के 5 ओवर की समाप्ति के बाद। तो 30 बॉल में मात्र 48 रन चाहिए जीत के लिए। तो 48 रन दूर है मात्र किंग। चलिए दोस्तों तो यहाँ पे छठा ओवर कौन लेकर के आने वाले हैं। 5 ओवर हो चुके हैं बिना विकेट पर। विघ्नेश्वरन मेरुमुथु आए हैं अब ओवर लेकर के, पहला ओवर लेकर के आए हैं और ये बढ़िया बॉलिंग कर लेते हैं और बैटिंग के लिए भी जाने जाते हैं, ऑलराउंडर में आते हैं। तो आज की बॉलिंग देखते हैं किस तरह से करते हैं। फिलहाल सिंगल के साथ शुरुआत की है उन्होंने अपने ओवर की। तो पहली बॉल पर सिंगल आता हुआ और सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 42 रन 0 विकेट पर 5-1 पर। चलिए तो दोस्तों आगे देखने वाली बात रहेगी आगे का मुकाबला। चलिए दोस्तों तो जिस के लिए जाने जाते हैं विघ्नेश्वरन और फिलहाल यहाँ पे विकेट निकाल लिया है। तो सुनील बिश्नोई यहाँ पे पवेलियन लौटते हुए नज़र आ रहे हैं। 15 रन्स बनाए हैं और 15 रन बना करके अपने पवेलियन लौट चुके हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट बैट्समैन कौन आने वाले हैं। फिलहाल पहला भी झटका लगता हुआ है यहाँ पर किंग्स को। विघ्नेश्वरन के आते ही यहाँ पे विकेट जरूर मिला है। बहुत काफ़ी देर से प्रयास कर रहे थे विकेट निकालने का लेकिन यहाँ पे विकेट नहीं मिला है और आज विकेट निकालने में कामयाब हुए हैं। चलिए तो दोस्तों अभी यहाँ पे मुकाबला टक्कर का मुकाबला होने वाला है। अब विष्णु कुमार आए हैं नए बैट्समैन के रूप में और पहला मैच खेल रहे हैं। अभी पहले मैच में मुकाबले में इन्हें मौका मिला है तो आज का मुकाबला देखते हैं किस तरह से खेलते हैं। पहला मुकाबला इनका विष्णु कुमार।
तो दूसरा मुकाबला दोस्तों देखने को मिलने वाला है 11:45 पर, तो वो देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल यहाँ पे मुकाबला चलता हुआ, बड़ा मुकाबला, और यहाँ पे जो भी टीम जीतेगी वो फाइनल में खेलेगी, और जो दूसरे मुकाबले में जो टीम जीतेगी वो फाइनल में खेलती हुई नज़र आएगी। चलिए यहाँ पे बढ़िया शॉट है, सिंगल मिलेगा, सिंगल के साथ यहाँ पे विश्नोई कुमार अपना खाता खोलते हुए, और शायद लेक भाई का है, अपना खाता नहीं खोला है, लेक भाई का सिंगल रन आता हुआ, और सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 42 और 43 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, 5 की 4 पर। दो बॉल बची हैं इस ओवर में और अभी तक मात्र 1 रन देखने को मिला है, 1 विकेट भी देखने को मिला है। बड़ा बढ़िया ओवर ये निकलता हुआ विघ्नेश्वरन, चलिए दोस्तों। तो एक और यहाँ पे डॉट बॉल निकलती है और सिंगल बॉल बची है इस ओवर की, तो छठे ओवर का एक सफल ओवर समाप्त होने वाला है, और यहाँ पे अभी तक कोई रन नहीं आया है, सिर्फ 1 रन दे आया है वो भी पहली बॉल पर, उसके बाद काफ़ी कवर किया है, काफ़ी बड़े यहाँ पे प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बाकी आगे देखने वाली बात रहेगी, लास्ट बॉल पर क्या एक और विकेट या बड़ा शॉट, और यहाँ पे अपील है और देखने वाली बात रहेगी, और यहाँ पे एम्पायर ने नकारा है क्योंकि काफ़ी ऊंची थी इसलिए मना कर दिया। चलिए फिलहाल यहाँ पे ओवर की समाप्ति, एक सफल ओवर की समाप्ति। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे एक सफल ओवर समाप्त होता हुआ, क्योंकि ऊपर स्टंप को मिस करती हुई जा रही थी, तो इस वजह से एम्पायर ने आउट नहीं दिया है। तो फिलहाल 6 ओवर की समाप्ति के बाद 43 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चलिए दोस्तों, तो हम दूसरे मैच की भी तैयारी कर लेते हैं, दूसरा मुकाबला भी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और सेकंड मुकाबले में हम ज़रूर मिलेंगे, और सेकंड मुकाबला काफ़ी बेहतरीन मुकाबला होने वाला है, एवेंजर के बीच मुकाबला, और देखते हैं कौन सा फाइनल में अपना जगह बना पाएगी। आज इस मुकाबले में मुझे लग रहा है किंग्स पहुंच सकती है, लेकिन बराबर बोर भी बराबर टक्कर दे रही है। यहाँ पे पहला विकेट निकाल लिया है, तो अभी भी यहाँ पे मौका है, 24 बॉल में 46 रन बनाने हैं, तो ये काफ़ी मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे आकाश काफ़ी देर से बने हुए हैं क्रीज पर, ओपनिंग से बने हुए हैं, काफ़ी धीमी शुरुआत है उनके तरफ से, और सिंह 2 छक्के लगाए हैं, 1 चौका लगाया है, लेकिन 21 बॉल खेलने के बाद 24 रन बनाए हैं। अगर इसी तरह से किसी और बैट्समैन ने 21 बॉलें खेली होती तो काफ़ी बड़ा स्कोर देखने को मिला। शिवा शंकर आए अपना पहला ओवर लेकर के, शिवा शंकर 16 विकेट निकाल चुके हैं 14 मैच में, 20 ओवर फेंके उन्होंने और 203 रन दिए हैं। इकोनॉमी काफ़ी महंगा है, 10 का इकोनॉमी है, तो आज का देखते हैं मुकाबला किस तरह से देखने को मिलने वाला है। चलिए बेहतरीन मुकाबला यहाँ पे चलता हुआ दोस्तों, ज़बरदस्त मुकाबले की शुरुआत हुई है। बाकी यहाँ पे आगे देखने वाली बात रहेगी, आगे का मुकाबला किस तरह से होने वाला है, और मात्र 4 ओवर का गेम बचा है, 46 रन बनाने हैं 4 ओवर में, यानी 24 बॉल 46 रन, तो 46 रन किस तरह से बनाएंगे देखने वाली बात है। शिवा शंकर पहला ओवर लेकर के आ रहे हैं, और यहाँ पे बढ़िया शॉट है और उठा दिया है, जा रही है सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। तो ये काफ़ी बड़ा शॉट देखने को मिला है पहली बॉल पर, शिवा शंकर पहली बॉल पर छक्का खा चुके हैं, और छक्के की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 49 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 6 की 1 पर। आगे देखने वाला रहेगा आगे का मुकाबला, बड़ा टक्कर का मुकाबला आज का देखने को मिलने वाला है, और यहाँ से काफ़ी टक्कर वाला मुकाबला देखने को मिलने वाला है।
चलिए, बाकी अभी ओवर की शुरुआत हुई है, पहली बॉल हुई है, और पहली बॉल पर छक्का आ जाए तो ऊपर वैसे भी काफ़ी बड़ा ओवर हो जाता है। बाकी यहाँ पे देखने वाली बात रहेगी पांचों बॉल में क्या रिकवरी कर पाएंगे। और यहाँ पे बढ़िया बॉल इस बार फिर से डॉट बॉल निकालने में कामयाब हुए। विष्णु कुमार सामने हैं, विष्णु कुमार अपने छक्का लगा चुके हैं पिछली बॉल पर, और एक और डॉट बॉल यहाँ पे निकलती हुई, और आगे का देखने वाली बात रहेगी। चलिए, यहाँ पे उठा दिया है, पीछे फील्डर मौजूद है, और देखने वाली बात रहेगी छक्का या चौका। और चौका का इशारा रहेगा एम्पायर का, तो चौका आता हुआ विष्णु कुमार के बल्ले से, और विष्णु कुमार पहुंच चुके हैं 10 रन पर, एक चौका और एक चौका की मदद से। चलिए, मुझे लग रहा है एक और यहाँ पे बड़े शॉट लगाने में कामयाब हुए हैं, और पीछे फील्डर शायद मौजूद हैं, तो 1 रन या 2 रन मिल सकते हैं, तो वो देखने वाली बात रहेगी, 1 रन या 2 रन या फिर चौका लगाने में कामयाब हुए हैं। चलिए, फिलहाल सिंगल ही रन मिला था, और 54 रन हो चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। चलिए, आगे बढ़ करके मारना चाहते थे काफ़ी बाहर, और यहाँ पे डॉट वाइट निकलती हुई, एम्पायर का इशारा वाइट, तो एक और एक्स्ट्रा रन, और इसी 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 55 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चले, इस बार मिस फील्ड हुई है, और पीछे एक और फील्डर मौजूद है, तो फिर भी 1 ही रन मिलेगा, और 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 57 रन 1 विकेट के नुकसान पर फिलहाल। छप्पन रन हुआ है दोस्तों, और उस एक बॉल और बाकी है इस ओवर की, तो देख लेते हैं। और सामने रहेंगे विष्णु कुमार, विष्णु कुमार 11 रन बना करके खेल रहे हैं, 5 बॉल का सामना किया है अभी तक। चले, इस बार भी बढ़िया शॉट लगाया है, और लेकिन यहाँ पे मिस हुए, और सीधे फील्डर के हाथों में कोई रन नहीं, तो डॉट के साथ ओवर की समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 56 रन 1 विकेट के नुकसान पर दोस्तों। तो 19 बॉल में 33 रन बनाने हैं अभी भी, और 33 रन बनाना आसान है, लेकिन बाकी यहाँ पे देखने वाली बात रहेगी आगे ओवर का किस तरह से देखने को मिलने वाला है, आगे का ओवर में क्या विकेट। तो देखने वाली बात रहेगी दोस्तों आगे का, ये 3 ओवर किस तरह से निकलने वाले हैं, फाइनल में कौन सी टीम अपनी जगह बना पाएगी, और यहाँ पे जीतने के लिए 33 रन 18 बॉल में। चलिए, तो फिलहाल 11 का स्ट्राइक रेट से रन बनाने हैं, प्रत्येक ओवर में 11 रन चाहिए, तो देखते हैं क्या क्या बना पाती है या नहीं। किंग्स बोर पूरी कोशिश करेगी कि यहाँ पे 1-2 विकेट निकाले जाएं, जिससे मुकाबला अपनी तरफ आ सके, तो कोशिश करेंगे। और यहाँ पे स्वयं कैप्टन आएंगे अपना ओवर लेकर के, पिछले ओवर में वो अपना विकेट 1 विकेट निकालने में ज़रूर कामयाब हुए, सिर्फ 1 ही विकेट मिला है विघ्नेश्वरन, और वो भी विघ्नेश्वरन कैप्टन्स हैं अपनी टीम के बोर के, तो आज देखते हैं क्या एक और विकेट निकालने में कामयाब होंगे। चलिए, यहाँ पे बढ़िया शॉट है, पीछे फील्डर मौजूद रहेगा, 1 ही रन मिलेगा, और 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 57 रन 1 विकेट के नुकसान पर 7-1 पर।
चलिए दोस्तों, बाकी आगे देखने वाली बात रहेगी। 17 बॉल 32 रन, अभी भी ज़रूरत है 32 रनों की किंग्स को। अगर ये मुकाबला जीतना है तो फाइनल में पहुंचना है तो ये 32 रन बनाने होंगे। चले, यहाँ पे होल्ड कर दिया है दोस्तों और यहाँ पे उंगली उठा दिया है, मुझे लग रहा है LPW आउट। तो विघ्नेश्वरन ने दूसरा विकेट निकाला है। तो विष्णु कुमार जाएंगे वापस 11 रन बना करके। एक छक्का एक चौका देखने को मिला था, 5 6 बॉल खेल चुके थे, 7वीं बॉल पर और LPW आउट। एम्पायर का बड़ा डिसीजन। और दोस्तों फिलहाल दूसरा झटका लगता हुआ और टीम का फिलहाल स्कोर 57 रन 2 विकेट के नुकसान पर 7-2 पर। अब मुकाबला बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है और टक्कर का मुकाबला होने वाला है। अब थोड़ा सा यहाँ पे मैच पलट भी सकता है। पूरी तरह से किंग्स ये मुकाबला जीतने वाली थी, लेकिन इस विकेट के बाद अब क्या लगता है आपको, अभी भी किंग्स जीत पाएगी या नहीं? तो जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए। मुझे नहीं लगता कि अब थोड़ा सा बॉर ने वापसी की है, क्या ये वापसी अच्छी है, संकेत अच्छे हैं या नहीं, देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल अरविंदन काफ़ी धीमी गति से खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। 23 बॉल का सामना किया है, 26 रन बनाए मात्र, 113 का स्ट्राइक रेट है। अगर एक इसी तरह से बैटिंग करेंगे 113 के स्ट्राइक रेट से तो ये मैच जीतना काम मुश्किल है। चलिए, नदीम खान आए हैं और नदीम खान किस तरह से खेलते हैं वो देखने वाली बात रहेगी। नदीम खान चलिए, विघ्नेश्वरन, नदीम खान 12 मैच खेले हैं, 257 रन्स बनाए, 32 छक्के 10 चौके लगाए हैं, 290 का स्ट्राइक रेट है और एवरेज 8-64 का है। तो ये अच्छा खेल लेते हैं तो वो देखने वाली बात रहेगी। और यहाँ पे पहली बॉल पर शुरुआत की है, बड़ी ज़बरदस्त शॉट और यहाँ पे कोई भी फील्डर मौजूद नहीं है, तो 6 रन के साथ शुरुआत की है। तो ये ही यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। अगर इस तरह से नदीम खान खेलेंगे तो ये मुकाबला बहुत ही जल्दी ख़त्म कर देंगे, क्योंकि आते ही पहली बॉल पर छक्का लगाना काफ़ी मुश्किल होता है विकेट गिरने के बाद। लेकिन यहाँ पे नदीम खान ने वो करके दिखाया है, 6 रन लगाए हैं और 6 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 63 रन 2 विकेट के नुकसान पर 7-3 पर। चलिए, 3 बॉल और होने वाली हैं और नदीम खान सामने रहेंगे 3 बॉल खेलने के लिए, और देखते हैं क्या बड़े शॉट और लगा पाते हैं या नहीं। काफ़ी बड़ा शॉट लगाने में कामयाब हुए हैं, बहुत ही बड़ा शॉट था 6 रन के लिए। और चलिए फिलहाल यहाँ पे ओवर की चौथी बॉल देख लेते हैं। चौथी बॉल का सामना करेंगे फिर से नदीम खान, और नदीम खान ने फिर से लगा दिया है एक और शॉट, बड़ा शॉट और ये भी मिलेगा 6 रन। ये क्या दोस्तों, पलट दिया मैच को नदीम खान ने आते ही। इससे तो बढ़िया बिश्नोई, सुनील बिश्नोई ही थे जो कि आराम से खेलते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन नदीम खान ने पूरी तरह से ये मुकाबला पलट दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे 69 रन हो चुका है, जीत के लिए मात्र 12 रन 20 रन दूर। 14 बॉल का सामना करना है, अभी 14 बॉल बाकी हैं और 14 बॉल में मात्र 20 रनों की ज़रूरत है। तो 2 बड़े छक्के, उसके बाद तीसरी बॉल खेलने के लिए तैयार हैं नदीम खान। क्या बड़े शॉट के लिए फिर से जाएंगे और क्या बड़ा शॉट लगा पाएंगे? चलिए फिलहाल सिंगल के साथ यहाँ पे स्ट्राइक रोटेट करते हुए सिंगल रन के साथ अपना स्ट्राइक देंगे आकाश को। आकाश भी यहाँ पे किस तरह से खेलते हुए नज़र आएंगे फिलहाल वो देखने वाली बात रहेगी। चलिए फिलहाल दोस्तों सिंगल के साथ डबल के साथ ओवर की समाप्ति की है, 2 रन चुरा लिए इतनी देर में आकाश ने, और यहाँ पे 72 रन फिलहाल 2 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर की समाप्ति के बाद। तो दोस्तों 17 रन चाहिए 12 बॉल में। तो पिछले ओवर में 14 रन आए थे, 16 रन आए थे दोस्तों, और मात्र 17 रन चाहिए जीत के लिए 12 बॉल में। तो
तो पिछले ओवर की तरह आएंगे तो कुंपी एक ही ओवर में जीत जाएगी, वो बाकी आगे देखने वाली बात रहेगी। सेकेंड सेमीफाइनल भी आपको देखने को मिलने वाला है, टाइटन वर्सेस एवेंजर के बीच मुकाबला कुछ ही देर में स्टार्ट होगा, तो उसके लिए भी बने रहिए हमारे साथ और वो भी मुकाबला हम जल्द से जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। ये जैसे ही मुकाबला ख़त्म होगा वैसे ही हम आपके साथ फिर से जुड़ जाएंगे और देखने वाली बात रहेगी कि वो मुकाबला कितनी देर में स्टार्ट होगा। और ये मुकाबला जीतने के लिए मात्र 17 रन दूर और 12 बॉल का सामना। चलिए दोस्तों, तो फिलहाल यहाँ पे पहली बॉल डॉट निकलती हुई और दूसरी बॉल पर फिर से डॉट बॉल, फिर से एक और डॉट बॉल। गोविंदन के ओवर की ये दो लगातार डॉट बॉलें देखने को मिली हैं, तो फिलहाल 10 बॉल में 17 रन चाहिए जीतने के लिए और ये 17 रन काफ़ी महत्वपूर्ण 17 रन हैं और देखते हैं क्या 17 रन आसानी से बना पाएगी या नहीं, वो देखने वाली बात रहेगी। 17 रन्स, चलिए यहाँ पे उठा दिया है, पीछे फील्डर मौजूद है लेकिन कुछ नहीं कर पाएगा पीछे फील्डर और यहाँ पे 6 रन एक और मिलता हुआ और फिलहाल 6 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 78 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दोस्तों 11 रन दूर मात्र, दो बॉल डॉट निकलने के बाद तो एक बड़ा शॉट लगाने में कामयाब हुए हैं 6 रन और 6 रन के साथ आपको टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 78 रन 2 विकेट के नुकसान पर फिलहाल देखने को मिलने वाला है। आगे देखते हैं आगे का मुकाबला किस तरह से होने वाला है, किस तरह से ये आगे का मुकाबला देखने को मिलने वाला है। बाकी यहाँ पर बढ़िया चलता हुआ मैच, चलिए मुझे लगता है ये मुकाबला पूरी तरह से ख़त्म ही कर देंगे इसी ओवर में। और दो और छक्के लगातार नदीम के बल्ले से निकलते हुए, तो लगातार दो छक्के दोस्तों देखने को मिले हैं नदीम के द्वारा और इसी तरह से अगर बैटिंग करेंगे तो इसी ओवर में ख़त्म कर देंगे। एक छक्का दूर है और एक छक्का और लगा देंगे तो इसी ओवर में ख़त्म हो जाएगा। तो पूरी तरह से किंग्स ये फाइनल में पहुंच चुकी है और किंग्स ने ये फाइनल के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है, अब कोई नहीं हराने वाला है। नदीम खान जैसे ही आए उन्होंने पूरी तरह से ये मुकाबला पलट दिया है। मुश्किल हो सकती थी वहाँ पे लेकिन नदीम खान ने 6-4 चौके लगाए हैं, उस हिसाब से तो ये मैच अपनी तरफ कर ही लिया है, पूरा ख़त्म ही होने वाला है। तो 8 बॉल में 5 रन बनाना और आसानी से बना सकते हैं। अभी 2 बॉल बाकी हैं इस ओवर की, मुझे लगता है इसी ओवर में जीतने की कोशिश करेंगे और इसी ओवर में छक्का लगाने की कोशिश करेंगे नदीम खान, तो वो देखने वाली बात रहेगी नदीम खान क्या 6 रन इसी ओवर से जीत पाएंगे या नहीं, या इसी बॉल पर छक्का लगाएंगे। और लगा दिया है बड़ा शॉट लेकिन यहाँ पर डॉट के साथ, शायद सिंगल निकाल लिया है दोस्तों, सिंगल के साथ यहाँ पे बढ़ता हुआ स्कोर 85 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ एक चौके की ज़रूरत है, अरविंद आकाश सामने हैं, क्या चौका लगा पाएंगे या नहीं, तो सामने दूसरी टीम खेलने के लिए तैयार है दोस्तों। चलिए मुझे लग रहा है कि यहीं पर मुकाबला ये ख़त्म कर दिया है 6 रन के साथ, तो आकाश ने भी अपना जलवा दिखाया और आकाश ने भी यहाँ पर
बढ़िया शॉट 6 रन लगाया है। तो चलिए इसी ओवर में ये मुकाबला ख़त्म करते हुए, तो एक ओवर पहले मुकाबला ये ख़त्म कर दिया है, 9 ओवर में ही ये मुकाबला ख़त्म कर दिया है। 91 रन बना दिए हैं 2 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल किंग्स ये मुकाबला जीत करके फाइनल में प्रवेश करती हुई, और अब 2 सेकेंड मुकाबले में जो भी टीम जीतेगी और वो अपना फाइनल में पहुँच किंग्स से भिड़ेगी, तो उसमें टाइटंस या एवेंजर कौन सी टीम जीतने वाली है वो देखने वाली बात रहेगी। चलिए फिलहाल मिलते हैं दूसरे मैच के साथ, और दूसरे मैच में फिर से आपके साथ जुड़ेंगे और उसका भी हालचाल सुनाएंगे आपको, और उसके बारे में भी आपसे बातचीत करेंगे, और उस मैच को भी इसी तरह से कवर करेंगे और लाइव आपको बॉल टू बॉल कमेंट्री के साथ जुड़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं, बेल आइकन को दबा लें जिससे आने वाले हर मैच की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैच आज का किस तरह कैसा रहा, कैसा बढ़िया मैच था ये, जो कि बढ़िया मुकाबला शुरू होता और ख़त्म हुआ है। चलिए फिलहाल मिलते हैं आपको नेक्स्ट मैच में, और सुनाते हैं उसका भी हालचाल और उसका भी इसी तरह से जोड़ते हैं आपके साथ। और चलिए फिलहाल लेते हैं आपसे विदा।